किसानों को रोकने के लिए सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। चंडीगढ़ में 12 फरवरी सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ किसान संगठनों की 5.5 घंटे तक चली महत्वपूर्ण बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने MSP पर समझौता करने से मना कर दिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों के साथ अलग अलग राज्यों के करीब 200 किसान संगठनों ने दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। हालांकि किसानों को मनाने के लिए सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने किसानों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की थी। ये बैठक 5.5 घंटे तक चली थी। बैठक के बाद किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, किसान MSP पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है, सरकार के मन में खोट है, वो हमें कुछ नहीं देना चाहते। किसान मंगलवार को दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद भी बुलाया है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च में करीब 20,000 किसान 2500 ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंच सकते हैं। हरियाणा और पंजाब के कई बॉर्डर एरिया में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल होने को तैयार हैं। किसान प्रदर्शनकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर से किसी भी हाल में दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किसानों की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच ऐसी खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई किसानों की बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। सरकार ने बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने पर सहमति बनाने का दावा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सभी फसलों की खरीद पर MSP गारंटी अधिनियम बनाई जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा MSP मिले। गत्ते का FRP और SP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक दिया जाना चाहिए। हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाए। किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ हो। लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो। अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए। सभी आरोपियों से उचित तरीके से निपटा जाए। इसके अलावा भी किसानों ने अपने लेटर में कई मांगे रखी हैं। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली से लगे 3 राज्यों में हाई अलर्ट है। प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। दिल्ली समेत 12 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते। किसानों को रोकने के लिए सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। चंडीगढ़ में 12 फरवरी सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ किसान संगठनों की 5.5 घंटे तक चली महत्वपूर्ण बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने MSP पर समझौता करने से मना कर दिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों के साथ अलग अलग राज्यों के करीब 200 किसान संगठनों ने दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। हालांकि किसानों को मनाने के लिए सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने किसानों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की थी।